नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ रूपा बुद्धि राजा, मैं हूँ चारोकात्री जड़ वास्तु एक्सपर्ट न्यूमरोलॉजिस्ट, साथ ही साथ मैं हूँ आपकी स्पिरिचुअल गाइड। तो अब हम बात करते हैं हल्दी। देखिए, हल्दी शुभता का प्रतीक है। मैं हल्दी के कुछ उपाय आपको बताती हूँ कि हल्दी क्या है, और किचन में ही मिलने वाली चीज हल्दी इतनी इम्पोर्टेंट होती है, ये शायद आप लोग नहीं जानते, लेकिन पुराने जमाने से चली आ रही है। हल्दी एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, शुभता का प्रतीक है हल्दी। और हल्दी का माना जाता है कि इससे प्रोटेक्शन मिलती है। देखा आपने, हल्दी की सेरेमनी होती है, हर दुल्हन की हल्दी की सेरेमनी की जाती है। क्यों की जाती है? इसीलिए की जाती है कि उसको सबसे पहले तो किसी की नजर ना लगे, उसे प्रोटेक्ट कर दिया जाता है। दूसरा, उसका आगे आने वाला जीवन खुशियों से भर जाए। तो उसको हल्दी का, जिसे कहते हैं ना, एक दिन रखा जाता है प्रॉपर कि हल्दी लगेगी कन्या को जिसका विवाह होने वाला है। हल्दी मतलब शुभता। आपने देखा होगा साउथ की साइड पर जितने भी महालक्ष्मी के मंदिर हैं, ये माता के मंदिर हैं, उनको हल्दी से स्नान किया जाता है, और हल्दी और कुमकुम उनको जरूर लगाया जाता है। बिना हल्दी के माँ लक्ष्मी की पूजा अधूरी होती है। तो माँ भी बहुत प्रसन्न होती है हल्दी से। हल्दी से हम बहुत सारी चीजें करते हैं। जैसे हमें कभी ये बहुत सारा लगता है कि हमारे घर पे किसी ने कुछ कर दिया है, या नेगेटिव एनर्जी हमें बहुत देखने को मिलती है, तो हम क्या करें? हम हल्दी से, हल्दी में गंगा जल मिला के, यदि आप हल्दी की गांठ ले लेते हैं और खुद पीसते हैं, तो इन उपायों के लिए आप हमेशा ऐसा ही कीजिए। आप मार्केट से हल्दी की गांठ लेके आइए और उसे घर पे ही पीसिए, और फिर उसका जो पाउडर बन जाए, उस पाउडर में आप गंगा जल मिलाइए, और गंगा जल मिलाने के बाद ही आप उसका उपाय करें जो मैं बता रही हूँ। गंगा जल मिलाने के बाद अपने मेन गेट के दोनों तरफ जो एंट्री होती है आपकी, वहां पर स्वास्तिक बनाएं हल्दी से। ऐसा करने से आपके घर में कोई भी नेगेटिव एनर्जी, कोई भी किया कराया किसी भी तरीके का, वो एंटर नहीं करेगा, आपके घर की प्रोटेक्शन होगी। दूसरी चीज, आप वही हल्दी का लेप, यदि आप वो प्रॉपर हल्दी का लेप बनाते हैं और उसको अपनी चौखट पे लगाते हैं, वो भी संध्या काल के समय आपने करना है। यदि चौखट पे लगाते हैं अपने स्वास्तिक बनाने के बाद मेन गेट के, आप चौखट पे पूरी एक लाइन बना देते हैं, जिसे हम सुरक्षा कवच कहा जाता है। आपकी लाइन, आपकी बाउंड्री आप खींच दीजिए। जितना आपका घर है, हर घर की चौखट पर, मतलब हर रूम के जितनी भी आपकी चौखट है, जैसे मेन गेट से लेकर आपके बेडरूम की, आपकी किचन की, आपके ड्राइंग रूम की, जितनी भी चौखटें आपको मिलती है, उन सब पर आप हल्दी की लाइन जरूर लगाएं, या हल्दी जरूर आप छिड़काव करें पानी में हल्दी डालकर। ये आपके घर को प्रोटेक्ट करेगा। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपको किसी ने कुछ कर दिया है, या आप बड़े नेगेटिव चीजों का सामना करने को मिल रहा है, या जैसे कहते हैं ना, बड़ा तगड़ी वाली नजर लगा दी है कि हम पनप ही नहीं पा रहे हैं, हमारे साथ कुछ अच्छा ही नहीं हो रहा, उस कंडीशन में आपको बहुत राहत मिलेगी यदि आप हल्दी का ये वाला उपाय आप करते हैं। और दूसरी चीज मैं बताऊंगी, सावन के सोमवार, जैसे कि सावन का महीना शुरू हो रहा है, और सावन के महीने में शिवजी को प्रसन्न करने के लिए, और जिन कन्याओं की शादी नहीं हो रही है, जिन जेंट्स की शादी नहीं हो पा रही, लड़कों की शादी नहीं हो पा रही, वो क्या करें? शनिवार के दिन आपने करना है ये उपाय। शनिवार के दिन आप कर सकते हैं, या आप बृहस्पतिवार भी कर सकते हैं, कन्याएं बृहस्पतिवार को ही करें ये उपाय। आपने करना क्या है, आपने 7 हल्दी की गांठें ले लेनी है, और सावन में जो सावन के जो टाइम चल रहा है, जो सावन का हमारा पीरियड चल रहा है, उसी में आपको करना है। हर बृहस्पतिवार के दिन आपने माँ पार्वती को 7 गांठें हल्दी की अर्पित करनी है, और कुछ मीठा भोग लगाना है, चाहे वो लड्डू लगाइए, चाहे वो बर्फी लगाइए। बर्फी लगाते हैं तो अति उत्तम हो रहेगा। आप माता को बर्फी का भोग लगाएं और 7 गांठें आप अर्पित कीजिए। आप पहले ही, यदि आपको ये 4 बृहस्पतिवार करना है, जैसे कि ये पूरे सोमवार, पूरे सावन के महीने में आपको ये करना है, तो आप पहले ही बहुत सारी गांठें लाकर घर में रख लीजिए। सावन में लेने ना जाइए, पहले ही घर में लाकर किसी डिब्बे में बंद करके रख लीजिए, और फिर 7-7 गांठें निकालते रहिए और माता को अर्पित कर दीजिए। ऐसा करने से आपका शीघ्र विवाह होगा। जो भी विवाह में आपके बाधाएं चल रही है, जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है, वो दूर होगी। तो आप ये हल्दी का जरूर कीजिए। पार्वती माता के आगे हल्दी की गांठें जरूर चढ़ाएं। इसको चढ़ाने से आपका नियमित
नियमित चढ़ाने से, ऐसे नहीं कि आपने एक बार चढ़ाया या दो बार चढ़ाया तो आप सोचो मेरे को रिजल्ट नहीं आया, नहीं नहीं, आपको नियमित चढ़ाना है और नियमित चढ़ाने से आपको विशेष लाभ मिलेगा। और अगर आपकी शादीशुदा लाइफ में भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो भी दूर होंगी। यदि झगड़े चल रहे हैं, आपस में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में दिक्कत चल रही है, वो भी दूर होंगे। तो आप हल्दी की गांठ पार्वती माता को अर्पित कीजिए, बृहस्पति माता। गणेश जी को भी हर जो कहते हैं ना बृहस्पतिवार के दिन हल्दी की एक गांठ चढ़ानी चाहिए यदि मनचाही नौकरी पाना चाहते हैं। बहुत टाइम से आप कोशिश कर रहे हैं लेकिन आपको आपकी मनचाही नौकरी नहीं मिली, तो बृहस्पतिवार के दिन आप गणेश जी को भी एक, ये आप कभी भी कर सकते हैं, सावन नहीं, आप सावन में करते हैं तो विशेष लाभ है, लेकिन आप कभी भी कर सकते हैं। एक हल्दी की गांठ यदि गणेश जी को आप अर्पित करते हैं तो आपको आपकी मन चाही नौकरी, आपके घर में बहुत टाइम से खुशियां नहीं होती हैं। आप कहते हैं हमारे घर में कभी खुशी नहीं आती है, हम लोग तो कभी खुश ही नहीं होते, हमने इतना टाइम हो गया कोई नई चीज नहीं खरीदी, हमारा घर नहीं बन पा रहा, कुछ भी शुभ नहीं हो रहा आपके साथ। तो गणपति जी को आप एक हल्दी की गांठ नियमित बृहस्पतिवार के दिन शुरू कर सकते हैं, बृहस्पतिवार से, और नियमित करते रहिए। ऐसा नहीं कि पांच किया छह किया, नहीं, आप करते रहिए, आप एक हल्दी की गांठ गणेश जी को अर्पित करते ही रहिए। आप देखेंगे आपके जीवन में कितना बदलाव आएगा, आपके जीवन में नयापन आएगा, आपके जीवन में जो काम रुके हुए हैं, जिनसे आप वंचित हैं, जो खुशियां आपको नहीं मिल पा रही वो आपको मिलेंगी। तो ये छोटे छोटे से उपाय हैं जिनको करने से आपको विशेष लाभ मिल सकता है। और मैं आपको बताऊंगी दुश्मनों से कैसे आप पीछा छुड़ाएं, क्योंकि मेरे को बहुत सारे ऐसे कॉल्स आते हैं या हम लोग जब भी अपना लाइव सेशन करते हैं या अपने चैनल्स वगैरह पर हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, हमारा मुकदमा चल रहा है और वो झूठा मुकदमा है और हमें उसका रिजल्ट नहीं आ पा रहा, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे। देखिए मुकदमों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है माँ बगलामुखी। बगलामुखी माँ की यदि हम आराधना करते हैं तो जो भी केसेस, जो भी हमारे पे प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो दूर होती है। यदि आप और कुछ नहीं कर सकते या आप खुद अनुष्ठान नहीं कर सकते, आप इतना नहीं एफर्ट दिखा सकते, तो आप क्या कीजिए, आप हल्दी की गांठ की माला बनाइए माँ बगलामुखी के लिए और ये आपको शनिवार के दिन माँ को अर्पित करनी है। 108 हल्दी की गांठ आप ले लीजिए और उसकी आप एक माला बना लीजिए, लेकिन उसमें आप 108 गांठें भी लगाइए। जैसे गांठ लगाना बहुत जरूरी है, हल्दी की गांठ तो है ही, धागे की गांठ लगाना बहुत जरूरी है, ये आप 108 जरूर लगाएं और माँ बगलामुखी को अर्पित कीजिए और साथ में थोड़ी सी हल्दी भी अर्पित कीजिए। हल्दी की गांठ की ये माला आपको विजय का आशीर्वाद दिला सकती है। ये हल्दी की माला बहुत चमत्कारी है, तो इतने टाइम से आपको प्रॉब्लम चल रही है या जो इतने टाइम से आप कष्ट में हैं, जो आप पे झूठे मुकदमे या कोर्ट केसेस के चक्कर लगा लगा के थक गए हैं, वो चीज आपकी माँ बगलामुखी पूरी करेंगी और आपको विजय का आशीर्वाद भी मिलता है माँ बगलामुखी से। हल्दी की जो माला होती है उससे ये जो सावन चल रहा है या आप किसी मनोकामना को पूर्ण करना चाहते हैं, जैसे मैंने बताया शादी को लेकर, यदि आप शादी को लेकर अपनी चीजें बहुत, जैसे उम्र बढ़ गई है और ये समझ लो सारे उपाय करके थक चुके हैं और फिर भी काम नहीं बन रहा, उस कंडीशन में हल्दी की माला या हल्दी की एक गांठ आप अपने गले में भी धारण कर सकते हैं। आप अपने गले में धारण कीजिए बृहस्पतिवार के दिन, साथ ही साथ उस माला से आप जाप कीजिए, क्योंकि देखिए हल्दी की माला जो होती है ना उसके मनकों की माला भी आपको मार्केट से मिल जाएगी, हल्दी की गांठ की माला आपको मार्केट से मिल जाएगी, उसका आप जाप कीजिए, बृहस्पति के जाप आप उस हल्दी की माला से कीजिए, उससे आपको विशेष लाभ मिलेगा और ये उस कंडीशन में आपको लाभ मिलेगा जिस कंडीशन में कहते हैं ना कि हमारा सब कुछ करके देख लिया लेकिन हमारा काम नहीं बन रहा, हमने ये भी किया वो भी किया लेकिन उपाय लगा ही नहीं, हमारी तो शादी हुई नहीं, उस कंडीशन में आप जरूर हल्दी की गांठ की माला आपको बाजार से मिल जाएगी। आप किसी से भी पूछ लीजिए हल्दी की माला चाहिए तो आपको किसी भी पूजा स्टोर से अवेलेबल हो जाएगी, उस माला से आप जाप कीजिए बृहस्पतिवार के दिन तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। मैं फिर जुड़ूंगी आपके साथ नए उपाय लेकर, नई विशेष चीजें लेकर, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।